और खबर झारखंड में आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। सबसे पहले बात सनकी दारोगा की। झारखंड पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार गुप्ता के सर पर आज खून सवार हो गया। जमशेदपुर में अपने ही घर में सनकी दारोगा ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से तीन लोगों पर गोलियों की बरसात कर दी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है जबकि दो जिंदगियां अभी भी अस्पताल में सांसों की लड़ाई लड़ रही हैं। वो बीमार था, वो खून का प्यासा था, अपने ही घर उसने खेला खूनी खेल। सनकी दारोगा के सिर चढ़ा खून। तस्वीरें तस्दीक करती है कि कैसे सनकी दारोगा के सिर खून चढ़ा होगा जब उसने अपने ही घर में अपनों पर गोलियों की बौछार की हो। सनकी दारोगा के रक्त चरित्र से सभी सहमे हुए हैं। जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, डर का मंजर छा गया। था ही इतना भयावह। दारोगा के ताबड़तोड़ फायरिंग में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। दारोगा के सनक की परत दर परत खुलासा करेंगे और बताएंगे कि कैसे समाज का रक्षक अपनों का ही भक्षक बन गया। मनोज गुप्ता, झारखंड पुलिस का इंस्पेक्टर, चाईबासा के गुदरी थाने का प्रभार। तो मनोज गुप्ता का ये प्रोफाइल है। अब वारदात की कहानी को समझिए। जमशेदपुर का सोनारी नौलखा अपार्टमेंट। सर्विस रिवॉल्वर से अपनी पत्नी, पत्नी के दोस्त और उसकी मां पर गोलियों की बरसात। हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि इंस्पेक्टर की पत्नी और उसके दोस्त की हालत नाजुक बनी हुई है। से बात करा थी मम्मी को डीएसपी या डीएसपी के लीडर को, मम्मी हमको परसों बोली थी, वो लोग बोले सस्पेंड है। सस्पेंड थे तो रिवॉल्वर क्यों है उनके पास? और अंकल दो दिन पहले भी वो निकाले थे, भाई और नानी को डरा रहे थे। सनकी दारोगा की बेटी भी मनोज यादव की पिछले दिनों की हरकतों पर सवाल उठा रही है। उसका साफ कहना है कि वो पिछले कई दिनों से रिवॉल्वर निकालकर परिवार के लोगों को डराने का काम किया करता था। हालांकि वारदात के पीछे की वजह बेहद ही पेचीदा है। मनोज गुप्ता का अपनी पत्नी से 20 सालों से विवाद चल रहा था। सोनारी थाने में मनोज के खिलाफ एक मामला भी दर्ज है। मनोज गुप्ता की पत्नी की शिकायत पर ही केस दर्ज है। पत्नी के साथ उसके दोस्त और मां को देखकर मनोज गुप्ता भड़क गया और पीछे पर गोलियां दाग दी। वारदात के बाद से ही चाईबासा के गुदरी थाने में तैनात इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता फरार है। जमशेदपुर एसएसपी अनूप बिरथरे के मुताबिक मनोज कुछ दिनों से मेडिकल लीव पर था और अब पुलिस मनोज की तलाश कर रही है। ये व्यक्ति अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इस घटना को अंजाम दिया है और इस घटना के बाद से फरार है। हम लोगों ने टीम लगाई है, ये जल्दी ही पकड़े जाएंगे। घटना का मूल कारण एक्चुअली इनका लंबा 15-20 साल से पारिवारिक विवाद है और लगातार घटना झगड़ा की इन लोगों के बीच में होती रहती थी। चंदन कुमार की जो माँ है उनकी डेथ हो गई है गोली लगने से। बाकी जो मनोज गुप्ता है उनकी पत्नी और चंदन कुमार है वो घायल है, उनका यहाँ इलाज चल रहा है टीएमएच में। जमशेदपुर के टीएमएच में सनकी दारोगा की पत्नी और उसका दोस्त जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। वहीं पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पीयूष, जी मीडिया, जमशेदपुर।